इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। देवताओं ने रति जी को भेजा। रति जी रोती विलाप करती भगवान शिव की शरण में आई। भगवान शिव ने पूछा कौन, परिचय दिया, कह दिया भगवान ने, अब ते रति तव नाथ कर ओ यह नाम बिनु बप व्यापी। शरीर के सबको व्यापेंगे। अब अपने मिलन का प्रसंग सुनिए। बोले जब जदुवंश कृष्ण शिव ने कहा, हे रति, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पति स्वरूप में प्राप्त होंगे, जाइए। जीवन का संबंध नहीं है, हो जन्म जन्म का संबंध है। हम आप आज हैं, पहले नहीं थे, ऐसा नहीं, हम आप थे, हैं और रहेंगे। जो आज है वो पहले भी था, आगे भी रहेगा, रहेगा ही, स्वरूप चाहे जो हो जाए। संबंधी से ही संबंध होता है, जिससे संबंध है वही संबंधी है। कोई बंधी है, कोई अनुबंधी है, कोई संबंधी है, कोई संपर्की है, सबका नदी नाव। तो भगवान ने कहा, देवता भगवान की शरण में आ गए। पृथक पृथक दिन की इन प्रशंसा भय प्रसन्न चंद एवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृष के कहो अमर आए हे अमर, आप लोग कैसे आए? अमर माने देवता। देखिए, मैं बराबर आग्रह करता हूं, यूं ही मिलते रहिए आप, यूं ही अगर प्रभु से मिलते रहे, देखिए एक दिन बात बन जाएगी। दिन मत देखिए, मंगल को मिलना है हनुमान जी से, सोमवार को शिव जी से, नहीं नहीं, अरे जब ही मिले मिले रहिए, दिन मत विचार करिए, इस दिन मिलना है, उस दिन मिलना है, जब अवसर बना लीजिए मिलना है, कोई नहीं। इससे क्या होगा, अरे जब कोई काम आ जाएगा तब पंचांग नहीं देखना पड़ेगा, गए और कह के चले आए। जो भगवान से नित्य नहीं मिलता है, उसका जब कोई काम पड़ता है तो ये अवश्य कहता है, न जाने भगवान भी करेंगे कि नहीं करेंगे, चलो चली चलते हैं। काहे
विश्वास अपने पर रखना पड़ेगा हो, कभी अपने प्रति अविश्वास नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ करते हैं, ये भी एक साधन बना लिया जाए, मिला करिए। कोई गीत है ना, मिला करो मिली प्रभु से मिला करो। अरे सब कुछ करते हैं, क्या क्या शरीर पर कितना ध्यान देते हैं, थोड़ा भगवान की चरण में मिलके करेंगे क्या? अरे आते जाते मिल लिया करिए, बहुत व्यस्त हैं, समझिए गाड़ी पंचर हो गई, लखनऊ में जाम बहुत लगता, समझिए जाम में फंसे हैं, भगवान से मिल लो। बहाना निकालिए, न मिलने का बहाना न निकालिए, मिलने का बहाना निकालिए। लोग न मिलने का बहाना इस कारण से नहीं आ पाए, ले भगवान से मिलने का बहाना निकालिए। कितनी बढ़िया मधुरता, अपनी भाषा में क्या कहेंगे, चुटकी। भगवान शिव ने विनोद किया देवताओं के साथ, कहो आए के ही। पूछने का क्या अर्थ है? अर्थ ये हुआ कि देवता बिना हेतु के आते ही नहीं है। हम देवता न बने, हम बिना हेतु यूं ही मिला करिए, यूं ही थोड़ा गुंगो भी घुमा दीजिए, अरे मिल लिए, हो गया, राम राम हो गई, हो गया। अकारण भगवान सकारण सब जगह गए क्या? अकारण परमात्मा चले गए। आइए देवता स्तुति किए, आपने भजन सुना होगा, दो पंक्ति का दो भैया, देवताओं की स्तुति। शंकर तेरी जटा में तेरी है गंगा, की भगवान शिव मुस्कुराए, पितामह ब्रह्मा की ओर देखे, पितामह ब्रह्मा ने देखी, कितनी अद्भुत बात। यदि आप किसी का मर्म जानते हो तो जानते रहिए, प्रगटाइए मत, वरना विरोध हो जाएगा। भगवान शिव समझ सब गए, लेकिन पितामह ब्रह्मा ने जो कहा जरा उसको श्रवण करिए। पितामह ब्रह्मा क्या कहते हैं? बाबा सकल सुरन के हृदय यस शंकर परम उछा, निज नयन देखा चही नाथ तुम्हारे। सत्य यह है कि देवता लोग डर के मारे आए,
पंतु पितामह ब्रह्मा ने संभाला, कहा सबके मन में हृदय में उत्साह है, सब आपका विवाह महोत्सव देखना चाहते हैं। अच्छा भैया, ये जो विवाह है ना, ये भी अद्भुत उत्सव है। परिवार के जितने लोग हैं उन सभी लोगों का अपने अपने प्रकार का अलग अलग स्वार्थ है विवाह में। सबसे अच्छा स्वार्थ बच्चों का जनाता है। बच्चे क्यों खुश हो जाते हैं? बच्चे मगन हो जाते हैं कि बहुत बच्चे आएंगे तो खेलने को मिलेगा, पढ़ाई लिखाई चार दिन मुक्ति रहेगी। वृद्ध लोग अपने भाव में, युवान भाई अपने भाव में नाचेंगे गाएंगे, क्या क्या करेंगे बनाएंगे। अरे सेवक लोग अपनी दक्षिणा मिलेगी, चकाचक नया वस्त्र प्राप्त होगा, कोई निशानी मिलेगी अपने मगन में। और जिसका भी काम रुका वो कहता है सब तो हुआ लेकिन मजा नहीं आया साहब। क्यों? सबकी हो गई, हमारी वाली नहीं भाई। ये उत्सव का अपना अलग अलग आनंद है। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने कहा निज नयन ने देखा चाहि नाथ तुम्हार। भगवान शिव तो करुणा करते हैं ना, करुणा कर दी। तथास्तु, देवता देव लोग प्रस्थान कर गए अपना अपना साज सजा कर आने के लिए। सप्तऋषियों को भेजा गया माँ के पास, माँ की जय जयकार निष्ठा श्रवण के पश्चात पिताजी के घर गए, कामधन रति को वरदान और माँ को लाने के निवेदन किए, लग्न पत्रिका लिखवा करके लाए, भगवान ब्रह्मा के कर में दिए। पितामह ब्रह्मा ने बाचा सबको सुनाया, देवता प्रस्थान कर गए हैं। और भैया मुहूर्त आ गया, अब बाबा के विवाह का पावन प्रसंग है। भावपूर्वक 40 मिनट और। बैठे गणों ने दिव्य श्रृंगार कर दिया, जटाओं का मुकुट बनाया, सर्पों का मौर पिना दिया और पुच्छ नीचे कर दिया, दोले के चेहरे पर सेहरा लटका दिया।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।